हेलो फ्रेंड्स, और आप सबका स्वागत है पार्टी में। ठीक है, आज हम फिर से एक धमाकेदार चीज बनाने वाले हैं। जगह आप देख सकते हैं, लोकेशन चेंज हो चुकी है और अब हम खुले में गांव में आ गए, बिल्कुल प्रॉपर विलेज में। दिखाता हूँ आपको, ये देखिए, ये हमारी एंट्री गेट, ये हमारा गार्डन एरिया, ये हमारा मटन, ठीक है, ये गैस चूल्हा सब यहीं पे है खुले में। ये हमारे टीटू बाबू, 1.5 किलो मटन है, प्याज है, लहसुन है, गरम मसाला है, सब है। और हम बनाने वाले हैं स्टू, मटन स्टू, नया स्टाइल में, धमाकेदार स्टाइल में, नई जगह पे। ठीक है, तो आप वीडियो पूरा देखना, फिर उसके बाद बताना। जगह आपको दिखेगी सुबह, मतलब इसी वीडियो में दिख जाएगी, लेकिन मैं सुबह दिखाऊंगा। ठीक है, प्रॉपर लोकेशन दिखा नहीं सकते हैं। क्योंकि इकलौता घर है, देख सकते हैं, आगे पीछे कुछ नहीं है। तो हम रहते हैं इस घर में, ये हमारा घर है। ठीक है, मस्त जगह है एकदम। चलो फटाफट से स्टू बनाते हैं। और हमारी हांडी हो चुकी है गरम, 1.5 लीटर के लिए हम इसमें लगभग डालेंगे 400 ग्राम तेल। ठीक है, एक बार तेल गरम होने दो, फिर डालेंगे गरम मसाला। और तेल हो चुका है हमारा गरम, अब हम डालेंगे इसमें, ये देखिए, 3-4 तेज पत्ते, और उसके अलावा दालचीनी, काली मिर्ची, लौंग, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, सब इसमें है। ठीक है, उसके अलावा हम डालेंगे इसमें जीरा, गरम मसाला हमारा पक चुका है, तड़क चुका है, अब इसमें डालेंगे हम लहसुन। आज ना कूटेंगे ना साबुत डालेंगे, आज हम बीच में डालेंगे। ये देखिए, लहसुन हो चुका है हल्का हल्का सा गोल्डन ब्राउन, यही कलर के आने के बाद हम डाल देंगे प्याज। अब इसको एक बार फिर से ब्राउन होने देंगे प्याज को, और हमारे प्याज हो चुके हैं ब्राउन, अब इसमें डालेंगे हरी मिर्ची, इसको गलने देते हैं, उसके बाद बताते हैं अगला स्टेप। इसलिए वीडियो पूरा देखना पड़ेगा आपको, हम पहले बताएंगे। हाँ जी, हमारी मिर्ची भी पक चुकी, और मिथुन की बातों से भी पक रहे हैं हम। खुद ही बोल रहे संतरे, खुद ही बोल रहे बैंगन है। अब टाइम है मेन चीज डालने का। ठीक है, मटन डालने का टाइम है। हम लाए हैं 1.5 किलो मटन। अरे डाल दो यार एक साथ, क्या मक्खन निकाल रहे हैं। ये देखिए, हमारे नए सैनिक भर्ती हुए हैं। एक एक पीस डाल रहे हैं। साफ ही है वो।
हमारे पास ही सामान है, और ये टीटू सर ने बैंगन को फ्राई करते हुए, ये हमारे टीटू सर है, देसी बैंगन है और देसी बैंगन है, पीला बैंगन, पीला बैंगन है हमारे खेत की जो कि स्टार्टर में काम आएगा। और ये है बाकरो, ये हमारा मटन स्टू बनता हुआ, तो हम इसमें डालेंगे, हमने अपने हिसाब से डाली, इसमें पाउडर नहीं डालेंगे आज हम। तो ये 25 मिर्ची है, थोड़ा सा स्पाइसी खाते हैं हम, आप इससे कम ज़्यादा ले सकते हैं अपने हिसाब से स्वादानुसार। अब हम इसमें डाल देंगे दही, अब हम इस चम्मच को कंटिन्यू चलाएंगे जब तक दही ढंग से मेल्ट नहीं हो जाता, और इसमें डालेंगे 2 चम्मच दही, दो चम्मच डालेंगे इसमें नमक, और 1.5 चम्मच सॉल्ट, अब इसको हम तैयार होने के लिए 20 से 25 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे, बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे। यहाँ तक गर्म हो गया, और अभी ओपन करके देखते हैं इसको। ये देखिए हमने कितना वेट रख रखा है इस पे, अब ओपन करते हैं पिटारा। ओहो पानी तो खूब हो गया, ये देखिए मटन भी ऑलमोस्ट रेडी है, ये देखिए छूट रहा मैं, मटन एकदम रेडी है, इसमें हम लास्ट कुछ टचिंग पॉइंट डाल देते हैं, और अभी इसमें साबुत धनिया ऐड करते हैं। साबुत धनिया ऐड कर दिया है, उसके बाद हमने अदरक ऐड कर दी है, फिर मैंने कहा इधर छोड़ो, ये दोस्त ने दी, उसको निकाले, खुद में खराब है,
मटन हमारा ऑलमोस्ट रेडी है, बट ये जो हमने धनिया और अदरक डाला है इसके लिए 10 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे। अब मैं तो मस्त मलंगा आराम से वो चढ़ा रहा था, आरजीबी बैठा। फाइनली हमारा मटन है रेडी, देख सकते हैं क्या मस्त मटन है, क्या मस्त रोगन आया है। और ये देखिए कलर भी इसका खुद का है, कोई आर्टिफिशियल कलर नहीं है इसमें। अब हम इसमें डालेंगे धनिया, जल तो गया पूरा, भर भर के धनिया फेंक के मारिए, अच्छी चीज होता है धनिया। जी टेस्टिंग के लिए हमने बुलाया टीटू जी को, पता नहीं क्या चढ़ा रहे हैं उसमें से। टेस्ट बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है जी। बाकी वो देखेंगे पका के नहीं पका, देख लिए हाथों से टूट रहा है और क्या पकाएंगे। पक गया। अब चख के बताएंगे हमको आशीष बाबू पीस छांटते हुए। अर्धनी पीस गरम है बट एक नंबर, उंगलियां तक चाट जा रहे हैं, एक नंबर। वही स्वाद, वही सब कुछ। और हमारा मटन है रेडी, देख सकते हैं, ये देखिए कितना लाजवाब है, ठीक है पक भी गया पूरा, एक बार चख लेते हैं। वाह देख रहे हो गलावट, देख रहे बहुत ही बढ़िया लाजवाब, मसालों का स्वाद मतलब जितने डाले ही नहीं है ना पाउडर, फिर भी स्वाद पूरा आ रहा है। अब तो हम लेंगे नली का स्वाद, कैसे रही नली खाली हो चुकी है, वीडियो बन चुका है, मटन बन चुका है। अगर आप एक बार ट्राई कीजिए, पहली बार तो अच्छा बनेगा ही बनेगा, बहुत ही अच्छा है, मस्त है एकदम। मैंने ये सब गवाए, देख सकते हैं सीरियसली, आप एक बार ट्राई करिए, बहुत अच्छा मटन। मैं मटन खाता नहीं हूँ जैसे कि, लेकिन ये रेसिपी मैंने टेस्ट करी, बहुत अच्छी रेसिपी है, तो आप एक बार बनाइए और खाइए, बहुत मजा आएगा। थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, तो वीडियो लगा अच्छा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। अगले वीडियो तक के लिए स्टे ट्यून्ड, जय हिंद।